कांग्रेस के वो तीन युवा चेहरे जिन्होंने कांग्रेस की चूलें हिला दी। मौजूदा वक्त में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए अनुभव और युवा सोच ने मिलकर जीत की कई कहानियां लिखी है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि युवा चेहरे ही पार्टी के साथ साथ दिग्गज नेताओं की चूलें हिला रहे हैं। सियासत में हमेशा ओल्ड गार्ड के साथ युवा जोश के सामंजस्य को कामयाबी की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। ये फॉर्मूला कई मौकों पर कारगर होते हुए देखा भी गया है। मौजूदा वक्त में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए भी अनुभव और युवा सोच ने मिलकर जीत की कई कहानियां लिखी है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि युवा चेहरे ही पार्टी के साथ साथ दिग्गज नेताओं की चूल्हे हिला रहे हैं। राजेश पायलट जैसे कांग्रेसी दिग्गज के बेटे सचिन पायलट 26 साल की उम्र में कांग्रेस से सांसद बने तो 35 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद 2014 में जब उनकी उम्र 37 साल थी तो पार्टी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान उनके हाथ सौंप दी। सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की, वैसे पूरे प्रदेश में घूमकर तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को एक्सपोज किया और अपने संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाया। ये वो वक्त था जब अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ देश की राजनीति की बागडोर संभाले हुए थे। सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई और 2018 में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा सरकार को उखाड़ फेंकी और कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। हालांकि जब जीत का सेहरा बंधने का समय आया तो अशोक गहलोत का तजुर्बा और प्रदेश व पार्टी में उनकी पकड़ सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत पर भारी पड़ गई। तमाम खींचतान के बाद सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद पर राजी हुए, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सचिन पायलट बगावत पर उतर आए हैं और गहलोत सरकार संकट में आ गई है। इसी साल मार्च महीने में जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसार रहा था और देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा फेस माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ऐसा गम दिया कि पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा। पिता माधवराज सिंधिया की मौत के बाद सिंधिया ने 2001 में कांग्रेस ज्वाइन की और चुनाव दर चुनाव गुना लोकसभा से जीतते चले गए। 2007 में केंद्र की मनमोहन सरकार में सिंधिया को मंत्री बनाकर बड़ा तोहफा दिया गया, लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो सिंधिया के अरमान टूट गए। इसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ देकर कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर ही गिरा दी। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए उन राज्यों में चुनौती बनकर उभरे जहां मुख्य विरोधी बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन पार्टी के एक और युवा चेहरे रहे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया वो ऐतिहासिक है। हिमंता बिस्वा शर्मा कभी दिल्ली में बैठे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रखते थे, लेकिन 2015 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। 1996 से 2015 तक हिमंता बिस्वा कांग्रेस में रहे और असम की कांग्रेस सरकार में मंत्री पद भी संभाला। कांग्रेस से हिमंता बिस्वा शर्मा इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उस वक्त गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद 2016 असम विधानसभा चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री बने। नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में शून्य कही जाने वाली बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां कमलनाथ जैसे दिग्गज को कुर्सी से हटाने का काम किया, वहीं सचिन पायलट अब कांग्रेस के जमीनी नेताओं में शुमार अशोक गहलोत के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस को बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं। यानी कांग्रेस के ये तीन युवा चेहरे रहे आज देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को सियासी धूल चटा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।